बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और हम अपना आज का लंच रूटीन आपसे शेयर करने के लिए आ गए हैं। और लंच रूटीन में मैं बनाने वाली हूँ भिंडियाँ, जो कि तकरीबन सबको पसंद होती हैं। और मैं भिंडियों की सब्ज़ी बना के दिखाऊंगी, साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोफ्ता रेसिपी, और जो सिंपल है बिल्कुल। आम घरों में हम लोग बनाते हैं रूटीन वाइज कोई ऐसा खाना कि जो लाइट भी हो और यम्मी भी हो, तो हो सके आपको पसंद आए। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अब शुरुआत होती है भिंडियों से। चले जनाब, भिंडी बनाने लगी हूँ, थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये प्याज है 3 से 4 अदद, आप देख रहे होंगे मैंने स्लाइस में काटे हुए। और यहाँ भिंडियाँ हैं जो कि मैंने छोटे साइज़ में काटी हुई है, क्योंकि मेरे बच्चे इस तरह खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। और टमाटर है 3 बड़े साइज़ के, स्किन रिमूव कर दिए, सीड निकाल दिए हैं साथ ही। और हरी मिर्चें हैं जो साबुत रखी हैं मैंने छोटी, और थोड़ा सा धनिया है, कुछ ऊपर आ जाएगा कुछ उसके अंदर डालेंगे, हल्का सा लहसुन डालूँगी और लाल मिर्च, नमक और हल्दी डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा इसमें। बहुत इजी होती है बनाना। सिर्फ सबसे पहले मैं जो है प्याज हल्के से फ्राई करके निकाल लूँगी लाइट से, पैन में ऑयल डालूँगी, कोशिश करेंगे कम ही ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसको इसमें रखते हैं और हल्के से इसको फ्राई होने देंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अच्छा, जब तक यहाँ ये प्याज हो रहा है, मैं एक दूसरी साथ डिश बनानी है मुझे, ज़ाहिर है सब्ज़ी होगी और साथ में कुछ एक्स्ट्रा सालन वगैरह कोई और चाहिए होता है, आपको पता है बच्चों के साथ। तो यहाँ मैंने ये कीमा लिया है, आधा कुटा हुआ है, आधा जो है बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, और इसके मैं कोफ्ते बना रही हूँ, चिकन का है ये। पैन में हम ऑयल डाल देंगे क्योंकि इसमें मैंने चॉप की हुई प्याज डालनी है। ये आप देख रहे होंगे दोनों तरफ प्याज फ्राई हो रही है, ये इसकी प्याज भी हल्की सी फ्राई कर रही हूँ, और ये कोफ्तों के लिए चॉप की हुई है, और उसके लिए भिंडी के लिए जो है वो मैंने स्लाइस में रखी हुई है। यहाँ ये कीमा है, कीमे में अब लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ कम खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आप यूज़ करें। ये मैं कोफ्तों का मसाला मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, इसमें मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, पहले नमक मिर्च को मिक्स कर लूँ अच्छे से, और फिर इसमें साथ ही 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी ताकि कोफ्ते सॉफ्ट बने। कुछ लोग अंडा डालते हैं, हर एक की अपनी वो चॉइस होती है, तो मैं जो हूँ कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच डाल देती हूँ सॉफ्टनेस के लिए। रखे प्याज को तो मैं निकाल लूँगी। मैं ये भिंडियाँ इसमें डाल दूँगी, थोड़ी सी पिंक करूँगी, यहाँ ये प्याज भी हो चुका है हमारा, ताकि इसका ये जो लेसपन है ये चला जाए। यहाँ ये प्याज बहुत अच्छे से पिंक हो चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी इसे वरना ये जल जाएंगे। इसमें 1 चम्मच भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। इसको हम भूनने देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। यहाँ ये लहसुन भी भून चुका है अच्छे से, आप देख रहे होंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के कोफ्तों में भी मिर्चें हैं, थोड़ा मसाला इसमें भी जाएगा, नमक मिर्च हल्दी जाएगी इसमें, सूखा धनिया और जीरा, वो आपके टेस्ट पर है, जो खाता है वो डाले, जो नहीं खाता वो ना डाले, क्योंकि बहुत सारे लोग धनिया नहीं खाते हैं। तो ज़ीरा डालूंगी मैं भी, क्योंकि गरम मसाला ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। एक चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने। ये मसाले हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला आखिर में अब मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद मैं इसमें दही डाल दूँगी, या
साइड पे जो सब्जी या दाल बना रहे हैं साथ उसे भी चेक करते रहे। इसमें एक प्याली के करीब मैंने दही डाल दिया, दही फेंट के रखा है मैंने। दही जब भी डालें किसी चीज़ में फेंट के डालें वरना वो फट जाता है। अब हम मसाले को पकने देंगे जब तक दही का पानी नहीं सूख जाता, मसाला एक सा नहीं हो जाता उस वक्त तक। चलिए जनाब, भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट सी हम करेंगे। बस इसमें अब मैं ये प्याज डाल दूँगी। ऑयल बिल्कुल नहीं है मगर प्याज के साथ आपको पता है थोड़ा सा ऑयल था उसमें। इसको पहले मैं मिक्स कर लूँ, पानी नहीं डालूँगी। ये जो टमाटर मैंने काटे थे अब ये टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी सारे, और ये मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको डाल देंगे अपना जैसे ज़रूरत। इसमें हम नमक मिर्च ऐड कर देंगे जितनी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक, और इसे मिक्स करके अच्छे से ये टमाटर के पानी में ही जो है गल जाएंगी। कवर करके रख दूंगी हल्की आंच पे। मसाला आप लोग अपने हिसाब से डालें जिसको जितना पसंद है, कुछ लोग गरम मसाला भी ऐड करते हैं, मैं नहीं करती। सब्जियों में ज़्यादातर जो है मैं नमक मिर्च हल्दी का ही इस्तेमाल करती हूँ और ग्रीन चिली ज़रूर डालती हूँ। इसको मैं फ्लेम को थोड़ा लो कर दूंगी और इसे हम कवर करके पकाएंगे ताकि ये स्टीम में हो जाए। उस दौरान तक हम अपने कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए आप, इसका मसाला भी तकरीबन दही के साथ अच्छे से भून लेंगे हम। अब हम आपको अपनी यहाँ कोफ्तों की तरफ ही रखते हैं, इसे हम भूनते रहेंगे ताकि ये दही का पानी खुश्क होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मसाला मिक्स होने में अच्छे से। यहाँ भिंडियों को चेक कर लेंगे एक बार, क्योंकि ये देखें उसमें टमाटर का पानी अच्छा खासा हो जाता है, तो हल्के से मिक्स कर लेंगे। टमाटर के पानी में ही सॉफ्ट हो जाएंगे। कोई भिंडी देखें जली हुई या प्याज जला हुआ नहीं आपको नज़र आएगा, बहुत लाइट लाइट सा कलर है, सबका ग्रीन ही कलर है। बहुत अच्छी बनती है टमाटर की वो जो खटास होती है प्याज की मिठास के साथ, वो जो है कवर हो जाती है, बड़ी अच्छी सी बन जाती है ये। अभी रखूँगी जब तक टमाटर नहीं अच्छे से गल जाते। तो यहाँ आपने देखा है मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया था, मैंने 2 टेबलस्पून इसमें पेस्ट डाला है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल डाल के इसको भूनेंगे, क्योंकि पेस्ट डालने के बाद जो है ये बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाता है। मसाला आपका जितना अच्छा भुना हुआ हो, प्याज वगैरह सारे घुल जाए, उतना ही अच्छा लगता है। ये कोरमा टाइप बन जाएगा मसाला, इसका बिल्कुल कोरमे का टेस्ट देता है। टमाटर वगैरह इसमें नहीं जाता, इसमें दही ही डलती है। खशखश का पेस्ट का अच्छा खासा डलता है इसमें, तो जितना मेरे पास अभी तैयार था मैंने अपना डाल दिया। अगर खशखश नहीं है आप बादाम और काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मसाला अच्छे से हो गया है, कोफ्ते तैयार करने से पहले मैं उसकी ग्रेवी तैयार करने रख देती हूँ। 1 कप पानी का डालूंगी इसमें, ताकि प्याज वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद इसमें कोफ्ते आएंगे। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना पानी डालें आप। हल्की आंच पे इसको हम रख देंगे, उस दौरान तक हम कोफ्तों की तैयारी कर लेंगे। जब इसको बॉयल आएगा और ये मसाला सारा एक मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल यकजा हो जाएगा, तो हम इसमें जो है कोफ्ते ऐड करेंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं, भिंडियाँ जो हैं वो तकरीबन हो चुकी हैं, और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चिली मैंने साबुत रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो वो नहीं खाना चाहते, जो खाना चाहता है वो अपने लिए तोड़ लेता है उसे और खा लेता है, जैसे मैं ही खाती हूँ घर में, बच्चे नहीं खाते। और ये भिंडियाँ बिल्कुल अच्छे से तैयार है के सामने है, और ये छोटे साइज़ में कटी हुई थी, और बहुत सारे लोग कहते हैं टूट जाती हैं और ये होता है कंप्लेन आती है जैसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें छोटे साइज़ में है फिर भी टूटी नहीं है, उसी तरह है, कलर भी ग्रीन है। तो कोशिश करें इंशाल्लाह
ये अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा ये कि खाना आसान हो जाती हैं, बच्चों को अच्छी लगती हैं। अब हम कोफ्ते ऐड करते हैं इसमें। ये देखें मैंने ऐसे कोफ्ते बनाए हैं, आप जितने आपको आपकी फैमिली के हिसाब से ज़रूरत है आप उतने बना लें। मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, वो इसे मीट बॉल कहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो मैंने उसी हिसाब से बनाए हैं। आप पानी डालना चाहें तो और डाल सकते हैं कवर करने के लिए, मैं इसे इसी तरह हिला दूंगी। एक से दो बार हिलाऊंगी इस तरह, जैसे ही बॉयल आएगा उसके बाद फिर इसे कवर करके रख दूंगी मैं 10 से 15 मिनट तक। 8 से 10 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे रखें, फिर लाइट कर दें 5 से 8 मिनट, और ऊपर आप धनिया डाल के इसे आराम से सर्व करें। हरी मिर्च और धनिया और अदरक बारीक बारीक काट लें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ रोटी तैयार करने रखी है, ये एग बॉयल हो रहे हैं, कोफ्ते रेडी हो चुके हैं आप देख लें, और अब मैं हम खाना खाएंगे दोपहर का रोटियां बनाने के बाद। साथ साथ रोटियां मैं रखती जा रही हूँ बना के, और मिलते हैं खाने के टेबल पे आपसे। आप देख लें कोफ्ते रेडी हैं बिल्कुल, और मैंने इसमें बॉयल करके अंडे डाल दिए थे क्योंकि बच्चों को अच्छे लगते हैं। उधर आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको खा के भी दिखाते हैं बच्चे, और साथ में हमने भिंडियाँ बनाई थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं कैसे बनाई हैं, और साथ सलाद है, रोटियां हैं। आज अच्छा लगेगा बच्चों को भी, सबको मिलके हम लंच करेंगे। कोई कोफ्ता टूटा नहीं है, और ग्रेवी भी आप देख लें इसकी कितनी अच्छी बनी है। आपके साथ इसको ट्राई करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट कोफ्ते हैं आप देखें, बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है, आराम से टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उठा के किसी को मारे। सॉरी। सो यम्मी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बने हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा आप क्या खाओगे तबा? बेटा जो लेना है वो ले लो। दो कोफ्ते। कोफ्ते एग लेना है साथ बॉय? यस, वन हाफ। चलो खा के बताओ कैसे बने हैं आज के कोफ्ते। और अला आप बेटा क्या लेंगे? बहुत बहुत या भिंडी भी लोगे साथ? या फर्स्ट क्या ट्राई करोगे? कोफ्ता। ये इसको मीट बॉल बोलते हैं तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो उसको कोफ्ता कह रहा है। और वैसे ये है कि ये आज भी आप भी आ जाएं, अहमद आओ बेटा खाने के लिए। अब खाना जो है तैबा से तो बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और मैं भी बहुत ज़्यादा जो है कुकिंग करके और सुबह से बिजी होने की वजह से तैबा स्टार्ट करने लगी है बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह। आ जाओ अला बेटा, अहमद बेटा आ जाओ। इट्स रियली गुड। किसी को प्याज वगैरह लेनी है, सलाद देना है तो ले लो, ये बच्चे तो नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं प्याज का टीवी और ये सब। हाँ जी आप बताएं कोफ्ते कैसे बने, सॉफ्ट बने कि नहीं? और अला को कैसे लगी ये मीट बॉल, सॉफ्ट है अला? आज हम जो है मीट बॉल इंजॉय कर रहे हैं, आ जाए आप लोग भी हमारे साथ खाएं और मज़े लें इंशाल्लाह। आप ट्राई करिएगा, आप लोगों से भी इसी तरह बनेंगे। देखें भिंडी को किसी ने अभी हाथ भी नहीं लगाया, चले अच्छा है मेरे बाद में काम आएगी। चले जनाब, आपको अगर हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो और लंच रूटीन अच्छी लगी हो, फैमिली लंच टाइम था, आपने देखा बच्चों के साथ हम लोगों ने सब ने खा के भी दिखाया, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। Take care, bye.